गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एसके एक्सपर्ट। तो गाइस, आपने वीडियो की स्टार्टिंग में गाइस प्रीव्यू तो देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इसी तरह का स्टेटस गाइस एडिट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी कुछ इसी तरह का स्टेटस गाइस बनाना है तो इस वीडियो को गाइस कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कुछ इस तरह का स्टेटस गाइस बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा, और गाइस इस एप्लीकेशन का नाम है काइन मास्टर। गाइस, अगर आपके पास में काइन मास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो इसका लिंक गाइस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जाकर गाइस वहां से बहुत आसानी से गाइस डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि गाइस अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब करके गाइस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर सबसे पहले मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन को गाइस यहां से ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद में गाइस यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन गाइस आपको यहाँ से 9.16 की रेशियो को सिलेक्ट करके नेक्स्ट के ऑप्शन पे गाइस क्लिक कर देना है। अभी गाइस यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले गाइस यहाँ पे मैं अपने गैलरी में आता हूँ और गैलरी से गाइस यहाँ से इस म्यूज़िक को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाइस, मैंने गाइस इसी ब्लैक स्क्रीन में म्यूज़िक लगा रखा है तो गाइस आपको अलग से यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इसलिए इस ब्लैक स्क्रीन में मैंने म्यूज़िक लगा रखा है। अभी फ्रेंड्स, आपको करना क्या, इस ब्लैक स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर गाइस लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर पर आपको 3 डॉट दिख रहा है, इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट लेयर कर लीजिएगा। तो डुप्लीकेट करने के बाद में गाइस यहाँ पर इसी टेम्पलेट पर क्लिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सट्रैक्ट ऑडियो को, तो गाइस यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑडियो को ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो इसकी सॉन्ग निकल के आ जाएगी। अभी गाइस इस टेम्पलेट को भी डिलीट कर देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपने बीट को गाइस सुन लीजिएगा, उसके हिसाब से गाइस आपको फिक्स करना है। तो गाइस यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से गाइस आपको सुन सुन के अच्छे से गाइस अपने बीट के साथ में फिक्स करना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ से गाइस क्या करता है, सबसे पहले गाइस यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन में आके एडिटिंग के ऑप्शन में आ जाएंगे, फील स्क्रीन क्लिक कर देंगे गाइस। उसके बाद में गाइस यहाँ पर आप देखिए इसको 0.5 कर सकते हो या यहाँ पर गाइस आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गाइस कुछ इस तरह से हम इसको यहाँ तक रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसको क्लिक करके यहां से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद में गाइस यहां पर एक चीज यहां पर गाइस फील स्क्रीन भी गाइस कर लेना, ध्यान रखना गाइस। डिलीट करने के बाद में गाइस यहां पर मीडिया का ऑप्शन में आ जाना है। यहां से गाइस पहले 11-12 फोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है गाइस, ठीक है। तो यहां से गाइस देखिए मैं क्या करता हूं, अपने गैलरी में आ जाता हूं और गैलरी से गाइस यहां से 11-12 फोटो पहले मैं गाइस यहां से सिलेक्ट करता हूं गाइस, ठीक है। तो यहां से गाइस मैं गैलरी में आ चुका हूं और गैलरी से गाइस यहां से मैं 11-12 फोटो कम से कम गाइस यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं गाइस, ठीक है। तो यहां से गाइस देखिए कुछ इस तरह से हमने गाइस फोटो सिलेक्ट कर लिया है। अभी गाइस यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोटो को जूम कर लेना गाइस, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको जूम करना है, दोनों फिंगर इस तरफ रख के एक फोटो का क्लिक करके गाइस इसको आपको 700 के आसपास रख देना है, ठीक है। 700 इसका जो सेकंड है गाइस आपको यहाँ तक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस देखिए कुछ इस तरह से हम इसको ऐसे करके रख देते हैं गाइस, क्योंकि गाइस यहाँ पर थोड़ा सा ये पहले जो फोटो जो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा मूव करता है, उसके बाद में फास्ट वाली फोटो स्टार्ट होता है। तो यहाँ से गाइस हमने उसको कर दिया। उसके बाद में गाइस यहाँ पर आपको देख सकते हो 200 200, उसके बाद में गाइस देख सकते हो 200। तो कुछ इसी तरह से गाइस आपको यहां पर चेक कर लेना है। अभी फ्रेंड्स आपको एक चीज का ध्यान रखना, अभी बीट के हिसाब से गाइस आपको फिक्स करना है, तो एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, आपको बीट के हिसाब से फिक्स करना है फोटोज को। अभी फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहां पर गाइस देखिए यहां पर फिर से सेटिंग के ऑप्शन में आ जाना है। तो गाइस यहां पर देखिए एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे आप वीडियो को स्टार्टिंग करोगे जहां से गाइस आपकी बीट गाइस यहां पर खत्म होता है फिर से गाइस यहां पर बीट स्टार्ट हो जाता है, तो यहां से गाइस आपको आ जाना है, ठीक है। तो एक चीज को गाइस यहां पर मैं फटाफट क्या करता हूं, यहां से इस फोटोज को फिक्स कर लेता हूं। फिलहाल मैं गाइस यहाँ पर फिर से सेटिंग के ऑप्शन में आके एडिटिंग के ऑप्शन में आके गाइस फील स्क्रीन क्लिक कर देंगे, यहाँ से 1 कर लेंगे गाइस, ठीक है। 1 करने के बाद में गाइस यहाँ पर मीडिया के ऑप्शन में चले जाएंगे, फिर से गाइस यहाँ से गैलरी में जाएंगे, गैलरी से गाइस फिर से यहाँ से 1 फोटो, फिर 2, फिर 3 4 5, उसके बाद में 6 7 8 और 9, उसके बाद में गाइस देखिए कुछ इसी तरह से गाइस आपको अपनी फोटो का गाइस यहाँ से फिक्स करना है। गाइस यहाँ से गाइस मैं अपने हिसाब से गाइस फिक्स कर रहा हूँ, आप अपने सॉन्ग को सुन सुन के गाइस यहाँ पे फोटो को फिक्स कर लेना। तो गाइस यहाँ से मैं भी फटाफट सॉन्ग को सुन लेता हूँ, सुनने के बाद में गाइस यहाँ से अच्छे से मैं फिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद में गाइस मैं आपको बताऊँगा इसमें कौन सा इफेक्ट लगाना है, कैसे लगाना है। तो गाइस इस वीडियो को आप कंटिन्यू लास्ट तक गाइस देखते रहिएगा।
सो फाइनली गाइज यहाँ पर जो हमने फोटो फिक्स किया था गाइज बिल्कुल परफेक्ट है, और इस साइड का गाइज हमने जो फोटो फिक्स किया था यहाँ पर गाइज मैंने मार्क लगा दिया। देखिए इस तरह से गाइज आपको भी बुक मार्क लगा लेना है गाइज, इससे आपको यह पता चलेगा गाइज कि आपकी फोटो की ड्यूरेशन इतना ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर गाइज जहाँ जहाँ मार्क मैंने लगाया है मुझे पता है कि गाइज इस फोटो की ड्यूरेशन उतना ही रहेगा। तो फिर से फोटो पर क्लिक करके गाइज यहाँ पर इसकी जहाँ पर भी बीट मार्क लगाया हूँ गाइज वहाँ पर आपको चले जाना, यहाँ तक फोटो को स्लाइड कर देता हूँ गाइज। गाइज आप भी अपने हिसाब से गाइज यहाँ से फिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि गाइज इधर जो फोटो फिक्स किए हैं गाइज बिल्कुल परफेक्ट है, और ये वाला फोटो भी गाइज हमने कुछ इसी तरह से गाइज यहाँ से फिक्स यानी कि गाइज फिक्स कर दिया। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर देखिए सभी फोटो को गाइज मैं अच्छे से यहाँ से फिक्स कर देता हूँ गाइज। उसके बाद में गाइज यहाँ पर हम क्लिप ग्राफिक को ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से फोटो को मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से गाइज इसको मैं ऐसे कर देता हूँ गाइज। ठीक है, तो फिलहाल मैं गाइज यहाँ पर क्या करता हूँ, जो भी ये देखिए एक्स्ट्रा फोटो हो चुका है जिसको क्लिक करके गाइज यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने कुछ ज़्यादा फोटो सिलेक्ट कर लिया था, तो गाइज यहाँ से सभी फोटो को मैं क्लिक करता हूँ, डिलीट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, डिलीट करता हूँ, क्लिक करके गाइज सभी को मैं यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, अभी फाइनली गाइज इसमें मुझे क्लिप ग्राफिक को गाइज ऐड करना है, सॉरी क्लिप ग्राफिक को ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करना है गाइज, फिर से आपको दोनों तरफ फोटो की तरफ क्लिक करके इसको जूम कर लेना गाइज। ठीक है, जूम करने के बाद में गाइज यहाँ पर देखिए फर्स्ट में जो हमें क्लिक करना है, और यहाँ पर गाइज फिर से क्लिक करने के बाद में फर्स्ट फोटो पर हमें क्लिप ग्राफिक ऑप्शन क्लिक करके यहाँ से हमें कॉल मी डीजे में चले जाना है गाइज। ठीक है, कॉल मी डीजे में जाने के बाद में गाइज यहाँ पर वन नंबर देख सकते हो, ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो, थर्ड नंबर सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइज यहाँ से देखिए जो मैंने क्लिप ग्राफिक यूज किया था ये था गाइज वन नंबर, तो यहाँ वन नंबर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में गाइज यहाँ से और यहाँ तक गाइज देखिए यहाँ तक जो भी गाइज यहाँ से गाइज यहाँ तक के बीच में जो भी फोटो है उसमें गाइज आपको फिर से क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक ऑप्शन में चले आना है गाइज। उसके बाद में गाइज यहाँ पे कॉल मी डीजे में ही चले आना है, और यहाँ से आपको टू सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि गाइज यहाँ पे फास्ट बीट है इसलिए गाइज फिर से क्लिक करते हैं और क्लिप ग्राफिक ऑप्शन में आकर गाइज यहाँ से 0.2 कर लेना। तो गाइज जितने भी गाइज यहाँ से आपने जो मैं फोटो दिखाया था उतना दूर तक गाइज फोटो में आपको कॉल मी डीजे का 0.2 क्लिप ग्राफिक ऐड करना है। अभी गाइज मैं आपको बताऊंगा भी कि ये कॉल मी डीजे का जो क्लिप ग्राफिक है इसको कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे करना है। तो गाइज वीडियो को आप कंटिन्यू लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि गाइज ये काइन मास्टर में आपको क्लिप ग्राफिक नहीं मिलने वाला है, इसको गाइज बीट्स एंड एप्लीकेशन से ऐड करना पड़ता है काइन मास्टर में। अगर आपको पता नहीं है कि बीट्स एंड एप्लीकेशन क्या होता है, उससे कैसे क्लिप ग्राफिक को काइन मास्टर में ऐड करते हैं, तो गाइज मैंने पहले ही उसके बारे में वीडियो बना रखा है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और वहां से गाइज वीडियो को देख लीजिएगा, और बहुत आसानी से गाइज एक क्लिक के अंदर में गाइज आप उस काइन मास्टर में गाइज इफेक्ट को गाइज ऐड कर सकते हो यानी क्लिप ग्राफिक को। तो फाइनली गाइज यहाँ से और भी कुछ फोटो रह चुका है, तो गाइज इसको भी क्लिक करता हूँ, क्लिक करके गाइज यहाँ से फिर से कॉल मी डीजे में चले आएंगे और यहाँ से गाइज 0.2 कर लेंगे। ठीक है गाइज, यहाँ पे भी क्लिक करते हैं, कॉल मी डीजे में चले आएंगे गाइज और यहाँ से फिर से गाइज 0.2 कर लेंगे। तो अब गाइज देखिए जैसे वीडियो प्ले होगा तो कुछ इस तरह से गाइज देखिए फास्ट वाली बीट था हमारा फिक्स हो चुका है। अभी गाइज ये वाला जो फोटो है इसको क्लिक करके फिर से क्लिप ग्राफिक ऑप्शन में आ जाना गाइज, और इसमें जो हम क्लिप ग्राफिक यूज करने वाले वो भी है कॉल मी डीजे का ही, क्योंकि गाइज इस सॉन्ग के साथ में कॉल मी डीजे का जो क्लिप ग्राफिक है काइन मास्टर में बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा है। यहाँ पर गाइज इसको कर लेंगे 0.5, फिर से गाइज यहाँ पर दूसरी फोटो का क्लिक करेंगे, फिर से क्लिप ग्राफिक ऑप्शन में चले जाएंगे, फिर से कॉल मी डीजे में जाएंगे, फिर से 0.5। तो गाइज इधर के जो भी फोटो है गाइज अब आपको सभी पर क्लिक करके क्लिप ग्राफिक ऑप्शन में चले जाना है और 0.5 कर लेना है। फाइनली गाइज यहाँ पर थोड़ा सा मैं फोटो को जूम आउट कर लेता हूँ, क्योंकि गाइज फोटो की थोड़ा सा ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। फिर से मैंने जूम आउट कर दिया गाइज, यहाँ फिर से क्लिप ग्राफिक ऑप्शन में आ जाना, देन गाइस फिर से आपको कॉल में डीजे में चले आना है, 0.5 कर देना गाइस। ठीक है, तो यहां से गाइस देखो कुछ इसी तरह से गाइस जितना भी अब लास्ट तक फोटो है सभी पे आपको क्लिक करना है, कॉल में डीजे में चले जाना है, 0.5 कर देना है, क्लिक करना है, कॉल में डीजे में चले जाना है, और गाइस यहां से आपको कॉल में डीजे में जाने के बाद में 0.5 जो है गाइस क्लिप ग्राफिक इसको गाइस आपको ऐड कर देना है। तो फाइनली गाइज यहाँ पर सभी फोटो में मैंने लगा दिया, अभी एक दो फोटो और बच गया है, तो गाइज इसको भी क्लिक करता हूँ, क्लिप ग्राफिक में चले जाते हैं, देन गाइज यहाँ से मैं इसको 0.5 कर देता हूँ गाइज। तो गाइज वीडियो को आप कंटिन्यू गाइज लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। तो गाइज यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से हमने गाइज यहाँ पर ऐड कर दिया, अब ये भी गाइज अच्छे से मैं यहाँ से इसको फिक्स कर दिया हूँ गाइज। ठीक है, तो यहाँ से गाइज इसको मैं फिक्स कर दिया हूँ। फिलहाल मैं गाइज इस फोटो को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो देखिए कुछ इस तरह से। अभी फाइनली गाइज आपको करना क्या, थोड़ा सा और जूम आउट कर सकते हो, यहाँ पर गाइज आपकी
जो वीडियो है अब कुछ इस तरह से गाइज यहाँ पे फास्ट इफेक्ट के साथ में गाइज प्ले हो रही है, और गाइज आपकी वीडियो भी कुछ इसी तरह से गाइज प्ले होगा, देखिए फास्ट इफेक्ट के साथ में। तो गाइज यहाँ पे देखिए कुछ इसी तरह से गाइज आपको फिक्स कर लेना है अपनी फोटोज को गाइज, ठीक है। फिलहाल मैं गाइज इस म्यूजिक को मैं यहाँ से म्यूट कर देता हूँ गाइज, ताकि मेरी वॉइस आपको गाइज सुनाई दे। तो यहाँ से गाइज इस म्यूजिक को मैंने म्यूट कर दिया है। फिर से गाइज लेयर को ऑप्शन में आकर गाइज मीडिया को ऑप्शन में आकर गाइज यहाँ से मैं अपने गैलरी में आता हूँ, और गैलरी से गाइज इस वाले टैंपलेट को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। इसको गाइज फुल स्क्रीन करके यहाँ पे इसी टैंपलेट पर क्लिक करके इसकी म्यूजिक को मैं म्यूट कर देता हूँ। इसी टैंपलेट पर क्लिक करके गाइज ब्लेंडिंग के ऑप्शन में आके स्क्रीन के ऑप्शन को इनेबल कर देना है। अभी गाइज थोड़ा सा और भी कलरफुल इफेक्ट आपकी वीडियो में दिखेगा, तो देख सकते हो गाइज कुछ इसी तरह से गाइज आपके वीडियो में गाइज और भी इफेक्ट दिख रहा है। फिर से गाइज आपको वीडियो के स्टार्टिंग में गाइज आ जाना है, कुछ इस तरह से आपकी वीडियो और भी गाइज अच्छी इफेक्ट देगी। फिर से गाइज आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है, लेयर के ऑप्शन में क्लिक करके गाइज मीडिया के ऑप्शन में चले जाना है। देन गाइज फिर से गैलरी में आते हैं, और गैलरी से गाइज फिर से हम इस वाले टैंपलेट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको गाइज आपको रोटेट कर लेना है, जूम करना है। जूम करने के बाद में गाइज कुछ इस तरह से आपको इधर साइड कर देना है। देन गाइज इसकी भी म्यूजिक को यहाँ से म्यूट कर देना है। फिर से टैंपलेट पर क्लिक करके ब्लेंडिंग के ऑप्शन में आके स्क्रीन के ऑप्शन को गाइज इनेबल कर देना है। फाइनली गाइज जो हमारा स्टेटस है देख सकते हो, तो कुछ इस तरह से गाइज इफेक्ट दे रहा है, जो काफी शानदार है गाइज इस वीडियो में गाइज दिख रहा है। तो गाइज यहां पर आपको कुछ इसी तरह से गाइज सारे एडजस्टमेंट कर लेना है। तो गाइज ऑल मटेरियल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर गाइज कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इंस्टाग्राम पर गाइज मैसेज कर लीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो गाइज यहां पर आपको फिर से वीडियो की स्टार्टिंग में आ जाना है, लेयर के ऑप्शन में क्लिक करके गाइज मीडिया के ऑप्शन में आ जाना है। देन गाइज यहां से फिर से हम अपने गैलरी में आते हैं, और यहां से गाइज एक बॉर्डर पीएनजी को सिलेक्ट करके फुल स्क्रीन कर देना है। इसी बॉर्डर पीएनजी पर क्लिक करके गाइज यहां पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में गाइज इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देना है, और लास्ट तक चले जाना जहां तक स्टेटस, बाकी का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है क्लिक करना है। कैंची के निशान पर आकर ट्रिम टू राइट टॉप प्ले हेड करके गाइज सभी को आपको यहां से ट्रिम कर देना है। क्लिक करना है ट्रिम टू राइट टॉप प्ले हेड करके सभी एक्स्ट्रा पार्ट को गाइज यहां से क्लिक करके कट कर देना है। तो आई होप गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लीजिएगा, और गाइज बहुत सारे भाई का मैसेज आता है तो थोड़ा मैसेज रिप्लाई देना सबको मुश्किल होता है, लेकिन गाइज मैं सबको देता ही हूं। तो गाइज बहुत सारे मैसेज आ रखा है, तो एक एक करके गाइज मैं सबको गाइज रिप्लाई देता हूं, तो आपका भी गाइज बारी आ जाएगा। तो गाइज आप टेंशन मत लीजिए। बाकी गाइज कोई भी प्रॉब्लम होता है तो स्क्रीनशॉट के साथ में भेजे, ताकि गाइज उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन मैं आपको दे पाऊँ। अभी गाइज यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को गाइज अपनी गैलरी में फुल HD में एक्सपोर्ट कर लेना है गाइज, ठीक है। तो यहाँ से गाइज इसको फुल कर लेना है, फुल HD में गाइज ये सेव हो जाएगा गैलरी में। तो गाइज वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।